हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में जो वैकेंसी निकली हुई है जीडीएस की, ठीक है ना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जीडीएस से रिलेटेड, यानी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली हुई है टोटल, यहां पर हम बात करेंगे 40,889 वैकेंसी हैं। 10th बेस पे फॉर्म है, यदि आप ये फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो जरूर से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं गाइज। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कौन से यहाँ ने वैकेंसी कितनी कितनी अलग अलग है यहाँ पर दिखा रखी हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा, एक प्रिंट में दिखा दूंगा, वहाँ से अपने चेक कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड भी, इसकी लास्ट डेट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ये फॉर्म यदि आपको भरना है तो इस लास्ट डेट से पहले पहले जल्द से अप्लाई कर लें। यानी इसमें हम बात करेंगे ग्रामीण डाक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पाएंगे ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसे हम बोल सकते हैं BPM, ठीक है ना। BPM की वैकेंसी है, अगली वैकेंसी ABPM की, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, ठीक है। इनमें दोनों वैकेंसी अलग अलग यहां पर देखने को मिलेंगी गाइज। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर अदर से कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाऊंगा, ठीक है। यानी 2023 के अनुसार ग्रामीण डाक सेवक की हैं 40,889 वैकेंसी हैं। यानी आपको कौन सी स्टेट से बिलोंग अप्लाई करना है, उसी स्टेट को चूज करें, उसी स्टेट के आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे। तो गाइज ऐसा कि हम बात करेंगे, इसमें लास्ट डेट है 16 फरवरी 2023 से पहले पहले रात्रि 12 बजे से पहले। तो गाइज जैसा कि यहाँ पर हमने बात की है 27 जनवरी से फॉर्म बने स्टार्ट हुए हैं, 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और इसके बात करें मेरिट लिस्ट की, मेरिट लिस्ट आपकी होगी मार्च के फर्स्ट वीक में ने 2023 मार्च 2023 के फर्स्ट वीक में इसकी मेरिट लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये का चालान पे करना होगा, जिससे कि ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या किसी भी से कर सकते हैं, फ़ोनपे या पेटीएम से भी, या फिर गूगल पे या अपने UPI से भी कर सकते हैं गाइज। अब ऐप हम इस यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो गाइज यदि आपकी 18 साल से 48 साल के अंडर में आपकी एज है तो ज़रूर से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम बात करेंगे 16 फरवरी 2023 के अनुसार आपकी एज 18 साल कम्प्लीट हो गई है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपकी 40 साल 16 फरवरी 2023 के दौरान आपकी 40 साल कंप्लीट नहीं हुई है, बाकी है, तो फॉर्म जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रामीण डाक, जिसमें एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, 10th पास मांग रखी है, लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी आपको, चाहे हिंदी या इंग्लिश या फिर आपको जो भी लोकल भाषा है उसके अनुसार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन की, आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, 10th की मार्कशीट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी आपकी, चाहे आपकी कास्ट जो भी है SC BC, ठीक है, जो भी है ST, उसकी कास्ट की सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। अगला ऑप्शन हमारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा कंप्यूटर का डिप्लोमा, यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तो वो जरूर से अप्लाई करें, आपको कुछ प्रेफरेंस की सुविधा मिलेगी, जैसे कंप्यूटर पर वर्क करना जो भी है डाक से रिलेटेड में उसमें, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, जैसे आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड, कोई भी एनी बॉडी आपकी आईडी है तो उस आईडी की आपको सख्त जरूरत पड़ेगी, जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे सब ऑनलाइन के लिए। तो गाइज फॉर्म ऑनलाइन से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आए हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने से रिलेटेड। तो गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे GDS की, ठीक है। यहाँ पर GDS की टोटल वैकेंसी की मैंने आपको बताई थी, टोटल 40,889 वैकेंसी हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख पाएंगे सर्किल के अनुसार, सर्किल का मतलब आपका मैं आपको बताऊँ इसमें स्टेट, ठीक है, यानी आपको यहाँ पर स्टेट, यानी आपको लैंग्वेज, यहाँ पर जनरल, UR का मतलब OBC, SC, ST, EWS, PWDA, PWDB, PWDC और PWDDE, और यहाँ पर टोटल वैकेंसी कौन सी में कितनी वैकेंसी यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल जाएंगी आंध्र प्रदेश की यहाँ पर फर्स्ट में, सेकंड आसाम की यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसा कि स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट देख लेना, आपका स्टेट देख लेना है, जिस भी स्टेट के अनुसार उसी लाइन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके अनुसार आपको यहाँ पर चेक करें कौन सी आपकी डिपार्टमेंट मतलब कैटेगरी में है, उसी के कैटेगरी अनुसार अपना फॉर्म यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 40,889 वैकेंसी हैं यहाँ पर, ठीक है।
आपको अलग अलग इसमें बताऊंगा, तो टोटल बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाएगी, तो आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जरूर से चेकआउट कर सकते हैं पीडीएफ फाइल का लिंक। ठीक है, जैसा कि हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट, तो गाइज इसकी मेरिट लिस्ट 1 मार्च 2023 के अनुसार 1 मई में अपडेट हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मेरिट बेस पे 10th की मार्कशीट में जो परसेंटेज आपकी, उसी के परसेंटेज के अनुसार आपकी इसमें मेरिट लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, जैसा कि हम बात करें लॉकडाउन के अनुसार जो भी बच्चों का कॉल पास हो गए थे फ्री में, वो उनका सिलेक्शन होना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसमें वो अपना फॉर्म जरूर से अप्लाई करें। तो गाइज यहाँ पर हम बात करेंगे, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा ना कि ऑफलाइन है। ऑनलाइन स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप आपको फिल अप्लीकेशन करना होगा, सेकेंड स्टेप आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी होगी, थर्ड में आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, फिर फोर्थ में यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंट आउट। ठीक है, इसके प्रिंट आउट के बारे में बात करेंगे, इस इम्पोर्टेंट लिंक। ठीक है, यानी यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट है, दोनों तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ज्वाइन टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं कैरे करेंसीज के नाम से। ठीक है, तो गाइज आपको वीडियो चलेगी जरूर से, वीडियो चलेगी लाइक एंड शेयर जरूर से करें, और हमारी नेक्स्ट नमस्कार, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय।